नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। गौर करते हैं आज की खबरों की और कुछ फटाफट अंदाज में। टोपे मास्क और हाथ में आईईडी भरा बैग, बैंगलोर के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के आरोपी को पहली फोटो आई सामने। पीएम मोदी को लेकर के उदयनिधि स्टालिन के बिगड़े बोल, बीजेपी बोली पैर के नाखून के बराबर भी नहीं। मुश्किल में फंस गए अखिलेश यादव, रणनीति का दिखा उल्टा असर, अपने ही उठा रहे फैसले पर सवाल। हेट स्पीच की 75% घटनाएं, बीजेपी शासित राज्यों में 107 माननीय पर दर्ज है नफरती भाषण के मामले। बिहार में नहीं होगी विधानसभा भंग, लोकसभा से पहले कैबिनेट विस्तार में जुटी बीजेपी, इन नामों पर माथापच्ची। जमशेदपुर से किडनैप हुआ शख्स पश्चिम बंगाल में मिला, 4 घंटे के अंदर पुलिस सामने ले आई सर्च। शाहजहां से की गिरफ्तारी के बाद एक्शन में ममता सरकार, अब 2 पुलिस अधिकारियों पर होगी गिरी काज। 3 दिन में माफी मांगे नितिन गडकरी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जयराम रमेश को भेजा नोटिस। बेंगलोर के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके की जांच जारी, मामले में यूपीए विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत हुआ केस दर्ज। यूपी में बाहुबली बैग जोड़ तोड़ की सियासत में 9 नेताओं को मिली संजीवनी।